खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ भाई भाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे कर दे माइक्रोफाइल। दूर से भाई हाँ घूरते जाए हाँ दूर से, खोटा घमंडाने मत देना बेटा तू भूल से। ऊपर से हूँ खतरी लेकिन अंदर से हम फूल थे, सबके लिए मैंने जो जो किया सब वो भूल गए। मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं हूँ वो हूँ जो हूँ मैं सब भूल गए। हे गेमर्स, स्वागत है आपका लाइव अक्की के इस नए वीडियो में। हाँ, आप जानते हैं टाइटल देखकर आप जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो भाई लोग, अगर आपको सीओडी मोबाइल बैटल रॉयल में रैंक पुश करना है और अगर लेजेंडरी में जाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं लेजेंडरी में था या नहीं, लेकिन मेरा पर्सनल बेस्ट लेजेंडरी का मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। उसके बाद आप फैसला करना कि मेरा वीडियो आपको देखने का है या नहीं। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा तो ही कर देना, वरना नहीं किया तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो गाइस, सबसे पहले जब मैंने गेम खेलना स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि गेम कैसे खेले और कैसे रैंक पुश करे। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी लेजेंडरी में नहीं जा सकूँगा, लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक्स को ट्राई करने के बाद मैंने ये सोचा कि इस तरह रैंक पुश की जा सकती है। तो मैं इस समय आपको मेरा सीज़न का रेटिंग बता देता हूँ। पिछले 4 सीज़न से मैं लेजेंडरी में रह चुका हूँ। तो ये थी मेरी पिछले 4 सीज़न की रैंक पुश और मेरी जो रैंकिंग अप है वो, तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो आगे देखनी है तो देख सकते हैं, अगर स्किप करके जानी हो तो भी जा सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। तो गाइस, अगर आपको आप भी वीडियो देख रहे हैं तो हम आगे शुरू करते और आपको बताते हैं कि सीओडी मोबाइल में फास्ट बैटल रॉयल मोड में फास्ट रैंक कैसे पुश करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस, आप में से बहुत से लोगों की सोच यही होती है कि ज़्यादा किल्स वगैरह करके और ज़्यादा अगर किल्स हमें मिलेंगे तो हमारी रैंक पुश ज़्यादा होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा किल्स लोगे या आप प्रो है या नोब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा किल्स से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस, अगर आपको रैंक पुश करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं अपने पर्सनल बेस्ट से बता रहा हूँ, कि अगर आपको रैंक पुश करनी है तो आपको कोई भी गेम हो, अगर पबजी हो, सीओडी हो, किसी भी गेम में अगर आपको रैंक पुश करनी हो तो आपको सिर्फ ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना होगा। तो अगर सर्वाइवल मतलब आप 2 या 3 नंबर पे जा सकते हो, और जितनी ज़्यादा देर आप सर्वाइव करोगे उसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा देर गेम खेलो और सर्वाइव करते जाओ, ऐसा नहीं है। जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप गेम खेलो, और ज़्यादा देर सर्वाइव मत करना। थोड़ी ज़्यादा देर मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो तो पर्सनल जो रोज़ की गेम खेलते हो बैटल रॉयल, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसी रैंक पे भी अगर आप आते हो तो आसानी से 5-6 और एक वीक तक आप अगर अच्छी गेम खेलो तो 1 वीक में आप लेजेंडरी में जा सकते हो। वैसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं कि आपको 2 दिन में 3 दिन में लेजेंडरी में जाकर दिखाते हैं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 2 या 3 दिन में लेजेंडरी में जा ही नहीं सकते। इसके लिए आपको सर्वाइव भी करना होगा, रैंक पुश ही करनी होगी। आपको कम से कम अगर आप 1 घंटा भी गेम खेलते हो तो आपको हफ्ते भर नहीं, हफ्ते 1 या 2 घंटे गेम खेलते हो तो आपको 2 या 2.5 हफ्ते में आप लेजेंडरी में जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गेम खेलते ही रहो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक, ऐसा नहीं है। अगर आप जितना भी खेलते हो, अगर वो गेम आप अच्छा खेले, ज़्यादा देर सर्वाइव किया बैटल रॉयल में, तो आप बहुत जल्द ही लेजेंडरी में जा सकते हो। तो गाइस, अब बात आती है कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव कैसे किया जाए। तो गाइस, अभी ज़्यादा देर तक सर्वाइवल कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे उससे बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। तो जब गाइस आप कहीं भी
गेम में कहीं भी मैप में उतर रहे हो, सिर्फ एक ऐसी जगह की तलाश करो जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं उतरते हैं और वहाँ पे लूट भी अच्छी मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, बस स्टेशन है, साकुरा डिनर इस्टेट फार्म बस स्टेशन, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप अच्छी तरह से लूट मिलती है और वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं उतरते। लेकिन अगर आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा लोग दिखाई दे, अगर प्लेन से कुछ ज़्यादा लोग उतरे, तो आप उन्हीं चार जगह में से कहीं पे दूसरी जगह पे भी उतर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते। तो इससे ये होता है कि आपको वहाँ पे लूट भी अच्छी मिलती है और आप अच्छी तरह से बैटल के लिए तैयार भी होते हैं। और अगर आप अभी अभी गेम खेलना स्टार्ट किए हो, मतलब आप नूप हो, नूप का मतलब ये नहीं होता कि जो प्रो होता है वो बहुत अच्छा खेलता है और नूप अच्छा नहीं खेलता, ऐसा नहीं। नूप जो हो रहा है वो गेम सीख रहा होता है, तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रो हो या नूप हो, आप रैंक पुश कर सकते हो। अगर आपने जितनी देर सर्वाइव किया उतनी देर उतना ज़्यादा रैंक पुशअप होगा। और बहुत सारे लोग अल्कैत्राज मैप में खेलते हैं, तो मेरा पर्सनल सजेशन है आपको अगर रैंक पुश ज़्यादा करनी है तो अल्कैत्राज मैप बिल्कुल ना खेले। अगर आपको रैंक पुश करनी है तो सबसे ज़्यादा रैंक पुश सिर्फ क्लासिक बैटल रॉयल में ही होती है, तो मैं इसके लिए आपको अल्कैत्राज मैप में खेलने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपको रैंक पुश करनी है अच्छी तरह से, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिक बैटल रॉयल ही खेलें। अब बात आती है सर्वाइवल की। अगर आपको अच्छी तरह से सर्वाइव करना है तो पहले आप ऐसी जगह पे उतरो, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे लूट अच्छी मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं उतरते। उसके लिए लूट मिलने के बाद अब क्या करें, लूट मिलने के बाद आपको कुछ ऐसी जगह पे छिपना है कवर लेके, जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, कवर लेके आपको देखना है कि क्या होता है। और बार बार आपको ये एड्रेनलिन शॉट्स वगैरह वो लगाते रहना चाहिए। आपका जो HP है वो कम नहीं होना चाहिए, 150 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको इनिमी दिखे, तो अगर आप अच्छी तरह से नहीं खेल सकते कि या आपके पास अच्छा सा स्कोप वगैरह नहीं है, तो आप इनिमी से कुछ अच्छी तरह से दूरी बनाए रखें, क्योंकि उसके पास अगर स्कोप होगा तो वो आपको दूर से ही मार देगा। अभी देखो, मैंने जैसे इसी इनिमी को दूर से मारा है, मेरे पास अच्छा स्कोप है इसलिए मैं उसको दूर से मार सका। तो गाइस, अगर आपको सर्वाइवल करना है तो एक और बात का ध्यान रखना होगा, जहाँ पे दो से ज़्यादा चार पांच ऐसे इनिमी हो तो इस जगह पे आपको बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। अगर आप अच्छी तरह से गेम खेल नहीं सकते तो ऐसी जगह पे आप बिल्कुल ही नहीं मत जाओ, क्योंकि मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि ऐसी जगह पर मरने का खतरा ज़्यादा होता है और सर्वाइवल पॉइंट्स भी ऐसी जगह पे बहुत कम मिलते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसी जगह पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सीधा कवर लेके कुछ बिल्डिंग में छिपकर वगैरह, और इसी तरह से आपको सर्वाइवल करना है। तो पहले आप जिस भी जगह पे उतरे, वहाँ पे एक कवर ले, अच्छी तरह से गेम खेले, अच्छी तरह से लूट ले, और पहले जो अपना एरिया होता है उधर के सभी बंदों को आप अच्छी तरह से मार दे कवर लेके। ऐसा कुछ करके आपको आपकी जगह सिक्योर करनी है। उसके बाद अच्छी तरह से कवर लेके कहाँ पे मारना है, अभी जो मैंने पहले बताया, इस समय यहाँ पे तीन चार बंदे मेरे पास आए थे। अगर आप अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो तो आप खुले में, अगर आपका एरिया सिक्योर करने के लिए आपको आगे आना है, लेकिन यहाँ पे देखो तीन बंदों के साथ मेरा सामना हुआ, उन सबको बंदों को मैंने मार दिया। अगर आप ऐसी अच्छी तरह से गेम खेल सकते हो तो आप बाहर भी खुले में घूम सकते हो और एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे ये तीसरा भी इन्हीं में आ गया, इसको भी मैंने मार दिया है। तो आपको ऐसे कवर लेके ही मारना है। जब इस बार मैंने अभी यहाँ पे कवर लिया, उस तरह उस बंदे को मारा, तो इस तरह कवर लेके आप बंदों को मार सकते हो और अपनी रैंक पुश कर सकते हो। तो इसमें आप एक और बात कर सकते हो, जो एड्रेनलिन शॉट्स वगैरह होता है वो अच्छी तरह से पहले लूट ले। उसके बाद अगर आपकी HP कम होती है तो एड्रेनलिन शॉट्स वगैरह बार बार मारते रहिए, उससे आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी। और उसके बाद आपको बैटल रॉयल में जो क्लास मिलता है वो यूज़ करना है। क्लास यूज़ करने से आपकी जो सर्वाइवल के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उससे एक काम होता है, इनिमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर इनिमी डिस्ट्रैक्ट हो तो उसे मारना बहुत ही आसान हो जाता है।
इसके बाद आपको एक करना काम करना होगा कि जहाँ पे वो चिप टर्मिनल एक्टिवेट होता है, जहाँ पे अपग्रेड होता है, वो जगह आप पहले देख ले। वहाँ पे जाके आपका चिप टर्मिनल एक्टिवेट हो जाएगा, तब आपका जो चिप है उसे आपको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद गाइस, अगर आपको एड्रेनलिन शॉट्स वगैरह तब तक नहीं मिलता है, तो आपको एयर ड्रॉप में बहुत अच्छी तरह से एड्रेनलिन वगैरह मिल सकता है। तो जो लूटे हुए एयर ड्रॉप है वहाँ पे आप जाने की कोशिश मत कीजिए, जो नया एयर ड्रॉप आया है वहाँ पे आप जा सकते हैं। और अब अगर आपको हो गया वहाँ पे, अगर एयर ड्रॉप नया है तो वहाँ पे बहुत सारे लूटने के लिए बंदे वगैरह आ सकते हैं। तो गाइस ऐसा कीजिए, अगर आपको सर्कल के पास वाला या सर्कल के बाहर जो अभी दिख रहा है इधर एयर ड्रॉप, वहाँ पे अगर एयर ड्रॉप होगा तो वहाँ से जाके आपको लूटना है। और अगर आप जब एयर ड्रॉप के पास जाएंगे तब उसके लिए वहाँ पे आपको स्मोक डालना होगा। अगर स्मोक डालेंगे तो इनिमी को आपका लोकेशन नहीं दिखेगा और वहाँ पे आप अच्छी तरह से लूट के वहाँ से भाग जा सकते हैं। और भागने के लिए आपको वहाँ पे इस्तेमाल, ये स्नोबोर्ड है, इसका इस्तेमाल करना होगा। स्नोबोर्ड सिर्फ बर्फ़ पे ही नहीं चलता, ज़मीन पे, मिट्टी पे और अच्छी तरह से घास पे भी चलता है। तो अगर आप स्नोबोर्ड लेंगे तो इससे इनमें आपका स्कोपिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा और आपको नहीं मार सकेगा, और आप अच्छी तरह से ड्रॉप लूट के वहाँ से निकल सकते हो। तो इसके बाद अब जब 50 से कम बंदे बचेंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा लोग प्रो रहते हैं। अगर आप अच्छी तरह से स्कोपिंग वगैरह नहीं कर सकते तो इन बंदों से आप दूर ही रहेगा। और 50 से कम लोग अगर रह जाए तो आपको कुछ ऐसी जगह पे कवर लेना है जहाँ पे आपको अच्छे स्कोपिंग करके वगैरह इनिमो को मार सकते हो, ज़्यादा देर तक आप सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे ही कुछ घर में वगैरह छुप के रहिए, जहाँ पे अगर आप सर्कल के बाहर जाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जो छोटा घर वगैरह होता है सर्कल के अंदर ही, वही रहने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा बाहर वगैरह ना घूमिए। अगर आप अच्छी तरह से गेम नहीं खेल सकते तो आप बाहर जाने के बिल्कुल ही ट्राई मत कीजिए। आपको किसी एक छोटे से घर में वगैरह ऐसे छुप के रहना होगा जहाँ पे आप अच्छी तरह से स्कोपिंग वगैरह कर सकते हो। अगर आप गेम खेलने में नए हो तो आपको क्लास वगैरह उसमें यूज़ करनी है। इनमें के जब पैरों की आवाज़ आती है तो आप उसमें क्लास यूज़ कर सकते हो। अगर आप नए हो तो मैं सलाह दूंगा कि आप क्लाउन क्लास यूज़ करें, क्योंकि उससे इनमें बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रैक्ट होता है और जब इनमें डिस्ट्रैक्ट हो तो आप उसे अच्छी तरह से मार सकते हो। अगर आपको पानी में कुछ ड्रॉप वगैरह दिखे तो वहाँ पे भी बंदे आ सकते हैं, जाके जबकि आप यहाँ पे देख रहे पानी में एक बंदा है, तो पानी में बंदे को आप आसानी से मार सकते हो। क्योंकि जो बंदा पानी में है उसका एक ड्रॉबैक होता है कि वो पानी में से अच्छी तरह से आपको स्कोपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आप जब ज़मीन पर होते हैं तो वो पानी में आपको अच्छी तरह से स्कोपिंग नहीं कर सकता। इसलिए आप उस बंदे को स्कोपिंग करके आसानी से मार सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छा सा स्कोप वगैरह लेना होगा। उससे आप अच्छी तरह से उस इनिमो को स्पॉट करके और स्कोपिंग करके अच्छी तरह से मार सकते हैं। उसके बाद आपको जो टैंक वगैरह मिलता है वो गेम के आखिर में, टैंक वगैरह ऐसे कुछ टैंक वगैरह आपको लेना है। इससे आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप टैंक ऐसा खुली जगह में कुछ वगैरह ऐसा रहता है तो वहाँ पे जाके आप अच्छी तरह से टैंक से बंदों को मार सकते हो। तो इस टैंक का फ़ायदा यही है कि इस पर ज़्यादा गोलियाँ चलाने से ये टैंक ज़्यादा देर तक सर्वाइव करता है और ज़्यादा देर तक फूटता भी नहीं है। तो आपको टैंक से बाहर बिल्कुल नहीं आना है। अगर आप नए हो तो आपको टैंक में ही रह के बंदों को मारना है। अगर बंदा बहुत ज़्यादा टैंक के पास आ जाता है तो वो उस टैंक पे चढ़ सकता है, इसलिए आपको टैंक वगैरह उस बंदे पे चढ़ा कर उसे मारना होता है। और टैंक अगर उसके ऊपर चढ़ा दिया तो वो बंदा आसानी से मर सकता है। ऐसा मैंने पहले भी गेम में बहुत ट्राई किया है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और अगर आपके एक बार सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए तो रैंक पुश होने में टाइम बिल्कुल ही नहीं लगता। तो आपके टैंक लेने के बाद सर्कल छोटा होता है, वहाँ पे ड्रॉप वगैरह गिरता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ड्रॉप लूटने के लिए बंदे वगैरह आ सकते हैं, तो आप टैंक में बैठे बैठे ही उन बंदों को आसानी से मार सकते हैं। इससे आपकी किल स्पीड बढ़ती है
और किल्स बढ़ती है तो आपको गेम प्ले भी अच्छा खासा पुश भी मिलता है, और जो आपके मेडल्स वगैरह है वो भी आपको अच्छी तरह से मिल जाते हैं किल्स वगैरह करके। तो गाइस अब यहाँ पे हम गांव में आ चुके हैं, यहाँ पे एक आदमी है, लेकिन ऐसी तंग जगह पे आप स्कोपिंग वगैरह बिल्कुल ही नहीं कर सकते टैंक से, अभी देख रहे हो ऐसी तंग जगह में इस समय बिल्कुल भी इस आदमी को मैं मार नहीं पा रहा, क्योंकि तो मैंने टैंक से उतर कर उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी होता है अगर आप टैंक से उतरे इस आदमी वाली जगह पे तो वो आदमी आपकी जगह टैंक में चढ़ सकता है और आपको आसानी से किल कर सकता है। तो इसलिए आखिर तक आप टैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़े। अभी मैं इस पर टैंक चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो बच रहा है, तो मैंने आखिर में अगर टैंक ने आग पकड़ ली तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो अब बाहर आके यहाँ पे दो बंदे हैं जिन्हें मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पहला बंदा है जिसे मैंने मार दिया, तो अभी एक लास्ट ही बंदा बचा है, दो बंदे मैं और एक लास्ट बंदा बचा है, उसको हमें मारना है। अगर उसको हम मार देते हैं तो ये गेम हम आसानी से जीत जाएंगे। तो चलो देखते हैं। अभी इसी जगह पे आपको स्कोर स्ट्रिक्स वगैरह यूज़ करनी है, जो आपका चिप है वो वहाँ पे डाल देना है, तो वहाँ पे बंदा फंस के आप उसे आसानी से मार सकते हो, वहाँ पे आएगा बंदा फंसेगा और आप उसे आसानी से मार सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं गेम में क्या होता है। तो गाइस अगर आपके साथ भी ऐसा एक बंदा बचा हो तो आपको कवर लेके वगैरह उसे मारना होता है, क्योंकि जो लास्ट बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो होता है। अगर उसको आपको मारना है तो ऐसी कवर लेके और ऐसा स्कोर स्ट्रिक्स वगैरह यूज़ करके आप उसे आसानी से मार सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पे बंदे को मार दिया और अब हम ये गेम जीत गए हैं। तो गाइस इस तरह से आप गेम आसानी से जीत सकते हो और रैंक पुश भी कर सकते हो। इसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, सर्वाइव सर्वाइव और सर्वाइव। तो यहाँ पे ये लोग बताते हैं कि आपने किस तरह से ये गेम खेली, किस तरह से जीते, किस तरह से फर्स्ट सर्कल से लास्ट सर्कल तक आप सर्वाइव कर सके और अच्छे से अपने गेम प्लान करके ये गेम जीती। तो यही होता है, इसी तरह से आप अच्छी तरह से सर्वाइव करके रैंक पुश कर सकते हो। तो अभी आप ये गेम प्ले देखने के बाद मेरी रैंक दे सकते हो इस सीज़न की। अभी ये सीज़न आकर कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन इस समय मेरी रैंक अभी प्रो में आ चुकी है। तो इसी तरह से मैं खेलता हूँ और यही मेरी ट्रिक और टिप्स थे जिससे कि आप आसानी से रैंक अप कर सकते हो। तो अभी मेरा रैंक अप आएगा, वो आप देख लीजिए किस तरह से मेरी रैंक पुश अप होती है। तो गाइस अभी मैं प्रो 3 में हूँ और यहाँ पे हमारी रैंक पुश हो चुकी है। तो देखिए हमें रैंक पुश में कितने 96 प्लस पॉइंट मिले हैं, और इससे बहुत ज़्यादा रैंक पुश होती है। अगर गाइस आप ऐसे ही खेलें तो आसानी से रैंक पुश कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो अपनी भी रैंक पुश कर सके। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ही, सिर्फ तो ही लाइक कीजिए। हम इस समय इस पे ट्राई करेंगे कि 20 लाइक हो जाए, तो प्लीज़ कर दो यार, सिर्फ 20 लाइक के लिए आपसे बोल रहा हूँ, तो कर देना यार प्लीज़। आपने बड़ी मेहनत से आपके भाई ने ये वीडियो बनाई है।
Bruh.